हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ श्वेतांबरि शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम सब एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सीम, कि हमारी सीम्स क्या होती है। सीम्स जैसे कि किसी भी फैब्रिक को अगर आप ज्वाइन करते हैं दोनों पीसेस को आपस में, तो उसको हम सीम बोलते हैं। और सीम साथ में सीम लाइन क्या होती है, जो हमारा स्टिचिंग लाइन होती है उसके अलोंग जो हमारी सीम चलती है उसको हम सीम लाइन बोलते हैं। फैब्रिक में हर एक फैब्रिक को गारमेंट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होता है हमारा कि सीम लगाना, मतलब कि उसको सिलाई करना। तो आज हम ये बात करेंगे कि सीम के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह के हमारे कितने तरह के सीम्स होती हैं, इनको देखेंगे। और इसके बाद की एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं MCQs लेके आऊँगी हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सीम्स के ऊपर ही। हमारे कुछ एक एग्जाम्स के अंदर हमारे MCQs आते हैं, वो फोटो भी दे देते हैं सीम की और उसके बाद उसके क्वेश्चंस पूछते हैं कि मान लो सपोज किसी एक पर्टिकुलर सीम का दे दिया कि उसका दूसरा नाम क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, गेट इट? तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट से, हमारा पहली सीम की जो है हमारी प्लेन सीम। प्लेन सीम कौन सी सीम होती है जिसमें हम दो फैब्रिक्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। इसका एक और नाम है जो है सिंगल नीडल बटरफ्लाई। आपके पास जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो कुछ इस तरह का हो सकता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम और अल्टरनेटिव नेम फॉर प्लेन सीम। सो फोर ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक होगा हमारा सिंगल नीडल बटरफ्लाई, तो आप उसको क्लिक कर दीजिएगा तो वो आपका। या फिर एक ऐसे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं कि आपको डायग्राम दे दिया और नीचे स्पेसिफाइड चार ऑप्शंस दे दिए, तो आपको जो आपके आपको डायग्राम में सीम दिख रही है आपको उस सीम को क्लिक करना है। तो जो सिंपल सीम होती है वो हम हैंड से भी बना सकते हैं एज़ वेल एज़ हम उसको मशीन से भी इजीली बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपलेस्ट होती है और बहुत ही ईजीएस्ट सीम होती है। नेक्स्ट सीम जो है हमारी, वो है हमारी प्लेन सीम विथ सिंगल स्टिच। अभी हमने प्लेन सीम की थी, अब प्लेन सीम विथ सिंगल स्टिच है। ये हमारी स्ट्रॉन्ग भी है और साथ के साथ डेकोरेटिव सीम भी है। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, हम पहले प्लेन सीम तो लगा लेते हैं, उसके बाद हम प्रेस कर देते हैं अपने दोनों सीम अलाउंस को हमारी जो एक तरफ की टॉप स्टिच देके। फिर हमारी अगली तरह की सीम जो है वो हमारी प्लेन सीम, अभी हमने सिंगल की थी, अब हमारी है ये प्लेन स्टिच ही विथ डबल टॉप स्टिच। इसके अंदर हम पहले सिंगल हमारी जो प्लेन सीम है वही बनाएंगे और उसके बाद जो दोनों है हमारी साइड उस पर हम टॉप स्टिच लगा देंगे। ये क्यों करते हैं हम, ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हमारी सीम लाइन की, और साथ के साथ ये एक किस्म की डेकोरेटिव सीम होती है। ठीक है, नेक्स्ट तरह की हमारी जो सीम होती है फोर्थ, वो हमारी होती है हेयर लाइन सीम। अब हेयर लाइन सीम बड़ी अच्छी सीम होती है बिकॉज ये इनविजिबल और एनक्लोज सीम भी कहलाती है। इनविजिबल क्यों, क्योंकि जितने भी आपके कॉलर्स होते हैं, आप कॉलर्स बनाते हैं या फिर कफ बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम हेयर लाइन सीम देते हैं। हेयर लाइन सीम के अंदर जो रॉ एजेस नहीं दिखते हमारे, और ना ही हमारे सीम अलाउंस दिखते, और इसको प्रेस करने के बाद हम इसको बैठा देते हैं या ऊपर से टॉप सीम लगा देते हैं, तो ये जो है हमारी हमारी होगी हेयर लाइन सीम। अब नेक्स्ट हमारी फिफ्थ टाइप ऑफ जो सीम है ये हमारी लैपेट सीम। लैपेट सीम को हमारा जो दूसरा नाम है वो होती है टग्ड सीम। टग्ड सीम और लैपेट सीम एक ही तरह की सीम होती है। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं हैवी फैब्रिक्स के लिए, ऐसे फैब्रिक्स के लिए जिनका जब हमने अगर दोनों कपड़ों को इकट्ठा रखा और एक स्टिच लगाई तो जो ऊपर से कपड़ा है जो हैवी फैब्रिक होगा तो वो बैठेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा, उसके लिए हम इस सीम को लगाते हैं। जैसे कि कौन से फैब्रिक्स हमारे, आर्टिफिशियल लेदर होगी, फेल्ट होगी, स्यूड हो गया, इस तरह के कपड़ों को हम बिठाने के लिए इस सीम को यूज़ करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सीम है। नेक्स्ट तरह की हमारी जो सीम है वो है हमारी फ्रेंच सीम। फ्रेंच सीम क्या होती है, ये शीयर फैब्रिक के लिए सबसे अच्छी तरह की सीम होती है, और इस सीम को हम एनक्लोज करते हैं रॉ एजेस को फोल्ड करके, मतलब जो हमारे रॉ एजेस हैं वो भी बहुत फिनिश्ड होते हैं, वो भी हमारे रफ नहीं दिखते, रॉ नहीं दिखते, और जो रो एजेस होते हैं वो आउट बाहर से बल्कि भी नहीं दिखते, मतलब कि कोई भी मोटापन या उठापन नहीं आता, हम उसको आराम से ट्रिम करके अपने जो हमारी स्टिच है उसके अंदर ही ले जाते हैं। तो ये हमारी होती है फ्रेंच सीम। अगली जो हमारी सीम है वो हमारी जो सीम है वो हमारी मोस्टली यूज़ होती है स्पोर्ट्स वेयर में, मेंस शर्ट में, जीन्स किड्स में, जो है हमारी फ्लैट फेल्ट सीम या रन एंड फेल सीम। ये किस लिए होती है, ताकि हमारी जो सीम लाइन है उसको स्ट्रेंथ मिल सके। जैसे कि स्पोर्ट्स वेयर की हम बात कर रहे हैं या फिर मैन शर्ट या जीन्स किड्स की बात कर रहे हैं, तो इससे हम बिल्कुल बेसिकली ये चीज़ समझ सकते हैं कि
जो हमारा जो इन कपड़ों में हमारी जो वर्किंग है वो बहुत ही ज़्यादा रफ टफ टाइप की है, तो मतलब हमारी सीम खुलनी नहीं चाहिए, इस तरह की भी सीम होनी चाहिए। तो इस सीम से हमारी जो कपड़ा है उसके अंदर स्ट्रेंथ भी रहती है और कहीं से भी हमारी सीम को उधड़ने का कोई भी मौका नहीं मिलता, तो वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर सीम होती है। नेक्स्ट सीम हमारी जो है वो है हमारी मोक फ्लैट फेल सीम, इसको हम वेल्ट सीम भी बोलते हैं। ये जो सीम है ये बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नहीं, बट एक किस्म से फ्लैट फेल सीम की तरह ही लगती है, और जो इसके जो रॉ एजेस होते हैं वो टर्नड अंडर नहीं होते, ठीक है। और जो इसके मतलब रॉ एजेस हैं वो इसके बाहर दिखते हैं रॉन्ग साइड पे, ठीक है। और ये किन किन सीम्स में होते, किन किन तरह के फैब्रिक्स के अंदर यूज़ करते हैं हम इसको, बल्की फैब्रिक्स के अंदर, जिनके अंदर फैब्रिक में बल्क होता है, मतलब जो थोड़े मोटे होते हैं, जैसे सिंथेटिक लेदर, वैसे मोटे भी नहीं कह सकते, बट जिसके अंदर सीम लगाते हुए इकट्ठा हो जाए, उन सीम्स के अंदर वेल्ट सीम्स को हम यूज़ करते हैं। ये हमारी सूटिंग शर्टिंग के फैब्रिक में यूज़ होती है। नेक्स्ट जो हमारी सीम है वो है हमारी कॉर्डेड सीम, कॉर्डेड या पाइप्ड सीम। जैसे कि किसी भी चीज़ की किनारी को मोटा करने के लिए, जैसे कि हम इसको कॉलर्स में यूज़ कर सकते हैं, कफ्स में यूज़ कर सकते हैं, और कॉर्ड को दोनों सीम्स के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी सीम लाइन के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। और इसको हम होम डेकोरेशन के लिए भी अलग अलग तरह के फैब्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं, और इसको डेकोरेटिव एज वेल एज फंक्शनल, स्ट्रेंथ गिविन फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और इनोवेटिव टाइप की हमारी ये सीम है। नेक्स्ट हमारी जो 10th सीम है वो है हमारी फेस्ड सीम। फेस्ड सीम कौन सी होती है, जिससे हम अपने आर्म होल्स को, अपनी नेक लाइंस को, अपनी वेस्ट लाइंस को फिनिश करते हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरह की गुड फिनिश्ड की सीम लाइन होती है। फिर है हमारी हेम्ड फेल सीम। ये हमारी बिल्कुल प्लेन सीम की तरह ही लगती है, और इसके अंदर क्या होता है, जो हमने जैसे प्लेन सीम को हमने स्टिच लगाई तो हमारा जो रॉ एजेस दिखते हैं उसमें जो हाफ रो, एक तरफ का हाफ रो है उसको हम ट्रिम कर देते हैं, और जो दूसरी तरफ का होता है उसको हम हाथ की मदद से स्टिच कर देते हैं। ये होती है, मतलब एक तरफ से हम हेमिंग कर देते हैं, तो वो हमारा सिक्योर हो जाती है। वो है हमारी हेम्ड फेल सीम। तो नेक्स्ट तरह की हमारी जो सीम है वो है हमारी मोक फ्रेंच सीम। ये जो सीम होती है ये हम प्लेस ऑफ फ्रेंच सीम के प्लेस पे ही इसको यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रेंच सीम में नॉट बी पॉसिबल लाइक कर्व्ड सीम लाइंस, मतलब कि जो हमारे ट्रांसपेरेंट ड्रेसेस की आर्म होल होती है उसमें हम इस सीम इसको यूज़ करते हैं। मतलब जो हमारी जितनी भी ऐसी होती है, जो जिन ड्रेसेस के अंदर हमारी सीम्स दिखती हैं, ठीक है, उनको हम फिनिश्ड करने के लिए हमारी मोक फ्रेंच सीम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सीम है वो है सर्ज सीम। सर्ज सीम में क्या होता है, हमें सर्जर या फिर हमारे ओवरलॉक मशीन चाहिए होती है इस तरह की सीम में। ये जो सीम होती है ये हम लूज़ गारमेंट्स के लिए, लाइट वेट गारमेंट के लिए, और सीम ओपन या फ्लैट के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे सीम्स को हम इन गारमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, और साथ के साथ ये स्ट्रेचेबल भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। मतलब कि कितना भी हमारा गारमेंट मुड़ जाए, कितना भी उसके अंदर फ्रिक्शन आ जाए, लेकिन हमारी सीम जो होती है वो एज इट इज़ रहे। ये सीम्स आपने मोस्टली देखी होगी लोअर्स के अंदर, जो हमारे होजरे के लोअर्स आते हैं उसके अंदर ये सीम हमारी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट तरह की जो हमारी सीम है वो हमारी सीम है स्लॉट सीम। स्लॉट सीम क्या होती है, ये लैपर्ड सीम की तरह ही सिमिलर होती है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फंक्शनल भी होती है और साथ के साथ डेकोरेटिव भी होती है। नेक्स्ट काउंटर सीम। काउंटर सीम जो होती है वो हैवी मटेरियल्स के लिए बहुत सूटेबल रहती है, और बोथ जो उसके रॉ एजेस होते हैं वो एनक्लोज हो जाते हैं, मतलब दब जाते हैं किसके साथ, बोथ द सीम अलाउंस, मतलब एक दूसरे के सीम अलाउंस के अंदर हम उसको एनक्लोज कर देते हैं, कहीं भी रॉ एज हमारा नहीं विजिबल होता। काउंटर मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काउंटर सीम अलाउंस को हम बंद कर देते हैं, ये हमारी होती है काउंटर सीम। उसके बाद आती है हमारी बट सीम। बट सीम जो होती है ये हमारी फैब्रिक को, फैब्रिक एजेस को फोल्ड करते हैं और हम ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद हम चेन स्टिच से या फिर जिगजैग स्टिच से उसको फिनिश कर देते हैं। जैसे कि जितने भी हमारे इनर वियर्स होते हैं, अंडरगारमेंट्स होते हैं, लिंजरीज होती है, इसके अंदर हम इस सीम को यूज़ करते हैं। इस तरह की मशीन, इस तरह की सीम्स के लिए हम अपनी नॉर्मल स्विंग मशीन को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम बट सीम।
नेक्स्ट हमारी सीम है शीट सीम या लिनन सीम। शीट सीम और लिनन सीम एक बड़ी ही दिलचस्प तरह की सीम होती है, बिकॉज इसको ज्वाइन करने के लिए हम एम्ब्रॉयडरी के किसी स्टिच को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी फिश बोन स्टिच हो गई, ब्लैंकेट स्टिच हो गई, हेरिंग बोन हो गई, इनको यूज़ करते हैं। और एक और चीज़, इस स्टिच का नाम होता है इंसर्शन स्टिच। और ये, हाँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरह की स्टिच होती है, लेकिन ये उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं देती, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और ये जो स्टिच होती है ये हॉरिजॉन्टली या स्लांट में हमारी लगती है। तो ये थी हमारी लिनन सीम। अगली है हमारी हैंड स्टिच सीम विद लैडर स्टिच। ये जो सीम होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, लैडर की तरह स्टिच करते हैं और बाद में धागे को हम खींच देते हैं। इससे ये लगता है कि ये मशीन की स्टिच की जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर हमारा जो इसके जो एजेस होते हैं उसको और सुई अलोंग द फोल्डेड एजेस, मतलब एजेस को फोल्ड की तरह ही लगते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुली हैंड स्विंग सीम होती है, मतलब कि ये जो सीम होती है ये हम मशीन से नहीं बनाते, ये हम हाथ से बनाते हैं, लेकिन विजिबल वो बिल्कुल इस तरह से होती है जैसे वो हैंड सीम हो। तो ये जो थी हमारी थी सारी की सारी 18 टाइप्स की हमारी सीम्स। इन 18 टाइप्स की सीम्स में हमने ये देखा कि किस तरह से हमारे लाइट वेट फैब्रिक के लिए, हमारे हैवी वेट फैब्रिक के लिए, हमारे इनर वेयर्स के लिए, स्पोर्ट्स वेयर्स के लिए, जीन्स के लिए, लेदर्स के लिए, और हर तरह के कौन कौन सी सीम्स फ्लेक्सिबल होती है, किसके लिए हमें किसी और अटैचमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें हमें आज पता चल गई है सीम्स और सीम्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो अभी हम अपनी अपकमिंग वीडियो में लेके आएंगे हम कुछ एक क्वेश्चंस को, जिससे आपको पता चल जाएगा कि काउंटर क्वेश्चंस कैसे मेंटेन किए जाते हैं। हम कुछ ही लेके आएंगे, लेकिन इन सबको अगर आप मेमोराइज़ कर लेंगे और इनके बेसिकली डायग्राम्स को अगर आपको पता होगा कि हर सीम कैसे बनती है, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको इस रिस्पेक्ट में क्वेरी है या आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। प्लीज़ KMS फैशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।